कोरोना महामारी से बड़े पैमाने पर हो रही तबाही के बीच यूरोप में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन जारी है। यहां स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है, अब बुजुर्गों को वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन यहां वैक्सीन की समय पर सप्लाई न होने की वजह से कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम को तगड़ा झटका लगा है। यूरोप के आधा दर्जन देशों ने समय पर वैक्सीन नहीं मिलने की ईयू से शिकायत की है। इन देशों का कहना है कि अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर से कोरोना वैक्सीन उस मात्रा में नहीं मिल पा रही जितनी की उन्हें उम्मीद थी। ईयू के 6 देशों ने फाइजर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल अमेरिकी कंपनी फाइजर ने यूरोप जाने वाली वैक्सीन की शिपमेंट को धीमा कर दिया है, जिसकी वजह से यूरोप के कई देशों में कोरोना वैक्सीनेशन ठप होने की हालत में पहुंच चुका है। यूरोपीय यूनियन के 6 देशों का कहना है कि ये हालात अस्वीकार्य हैं और इससे टीकाकरण की प्रक्रिया की विश्वसनीयता कम होगी। स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, लुथानिया, लेटविया और एस्टोनिया ने ईयू से कहा है कि वो फाइजर कंपनी पर दबाव डालें। वहीं फाइजर का कहना है कि जनवरी और फरवरी के शुरुआती दिनों में वैक्सीन सप्लाई प्रभावित होगी, लेकिन फरवरी के आखिर और मार्च के शुरू में मरीजों के लिए वैक्सीन की सप्लाई काफी बढ़ जाएगी। ईयू ने अमेरिका की ही एक और कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। बावजूद वैक्सीन सप्लाई में कमी के कारण यूरोप के देश परेशान हैं।